बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। अजमेर के कायड रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अग्निशमन के अधिकारी गौरव तंवर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हमें देर रात सूचना मिली थी, जिस पर अग्निशमन टीम ने जाकर आग पर काबू पा लिया। आग बैंक के पैनल व बैंक के एसी के पास लगी थी, जिसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सर, कौन सा बैंक है, कहां पर बैंक है और कैसे लगी आग? कल रात को हमारे कंट्रोल रूम में सूचना 12:30 करीब सूचना आई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा है ये अपने MDS यूनिवर्सिटी कायड रोड पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में आग लगी थी। आग की सूचना आई, वहाँ मौके पे हम गाड़ी गई, हमारी गाड़ी भेजी, हमारे फायर फाइटर्स गए, वहाँ देखा तो ATM में नहीं थी आग, ATM के पीछे वाले बॉक्स में पैनल में आग थी। तो और वो जो एडजॉइनिंग बैंक के एडजॉइनिंग है, तो उसमें पैनल में और कुछ कागज़ वगैरह थे और AC में आग लगी हुई थी। तो हमारे टीम ने जाके उसको कंट्रोल कर लिया आग को। कुछ कैश वगैरह मिला? नहीं, कुछ नहीं, कैश नहीं, कोई फाइलें थी और AC और पैनल में आग लगी हुई थी, ये इतना ही था। बैंक ऑफ बड़ौदा है? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा कायड, जो अपने MDS यूनिवर्सिटी वाले रोड। एक इलेक्ट्रिकल फायर था, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से ATM का जो पैनल है उसमें आग लगा है। बाकी ब्रांच के अंदर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ओनली जो अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पैनल का है वो चला। ATM मशीन पर कहाँ पर बैंक है और कौन सी बैंक है? पूरा ब्रांच है अपना। तो सर कोई नुकसान, मतलब कोई कैश वैश का नुकसान है? डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं कोई कैश डॉक्यूमेंट का कोई नुकसान नहीं। कोई फाइल्स वगैरह जो? नहीं, कुछ नहीं। ATM में उसको? ATM भी इंटैक्ट है, ATM में आग नहीं आई। सर आपका नाम? कितना कैश होगा सर? ATM में कोई आग, ATM एज इट इज इंटैक्ट है। हाँ। और जो कैश ATM का जो बैलेंस है वो एज इट इज इंटैक्ट है, उसमें कोई ऐसा।